तंबुओं की महानगरी बसी दोनों किनारे गुलजार हुए। नमस्कार, मैं हूं तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। सुनसान रहने वाला गंगा के दोनों किनारों से जुड़ा जंगल कार्तिक पूर्णिमा मेले के मद्देनजर टेंट तंबुओं की महानगरी में तब्दील हो उठा है, जहां भक्तों में मस्ती के अनूठे संगम में वेस्टर्न यूपी से लेकर दिल्ली और आसपास के कई राज्यों से 10 लाख से अधिक की भीड़ जुट चुकी है। गढ़खादर और तिगरी धाम से जुड़े गंगा नदी के दोनों किनारे साल भर सुनसान रहते हैं, जहां इस समय कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले का आयोजन होने से दोनों तरफ टेंट तंबुओं की महानगरी बस चुकी है। खादर मेला स्थल पर जुटी 10 लाख से अधिक की भीड़ की सुविधा को लिए अस्थायी अस्पताल से लेकर एम्बुलेंस और मच्छरों का प्रकोप रोकने के लिए फॉगिंग हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से 5,000 से अधिक पुलिसकर्मी 32 जनपदों से आने हैं, जिनकी आमद को रिजर्व पुलिस लाइन बनाई हुई है। मेला स्थल पर संपर्क रास्तों पर 22 थाने भी बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक चौबंद रखने के लिए एंटी माइंस टीम, डॉग स्क्वाड से लेकर बम निरोधक दस्तों को बुलाया जा रहा है। वाच टावरों पर तैनात पुलिसकर्मी सीसीटीवी कैमरे और दूरबीन के माध्यम से भीड़ वाले स्थान की निगरानी कर रहे हैं। मेला स्थल पर 26 किलोमीटर से भी अधिक अस्थायी कच्ची सड़क और कई स्थानों पर पुल बनाए गए हैं। खादर मेले में मेरठ, दिल्ली, बुलंदशहर, हापुड़ समेत 13 सेक्टर बनाए गए हैं। गंगा मेले को लेकर आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें हापुड़ हलचल।